13 दिसंबर 2007 को यूएनओ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस की 13वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल मध्य प्रदेश के नाम तहसीलदार को आदिवासी सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 5वीं और 6वीं अनुसूची को लागू करने और मांडा क्लस्टर क्षेत्रों और राज्य के आदिवासी गाँवों में सुशासन हेतु अपील की। संगठनों ने कहा कि आदिवासियों की भूमि, वन और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है और आदिवासियों का सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक पतन आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी, भूखमरी, पलायन, मानव तस्करी और मानव अधिकार उल्लंघन बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय की संस्कृति और रीति रिवाज हिंदू धर्म से पृथक होने से 2021 की जनगणना में हमारा धर्म का अलग कालम किया जाए, जिसमें सभी सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। खरगोन से ओजस निहाली की रिपोर्ट। हमने ये अभी खाद्यान्न में पात्रता पर्ची का प्रावधान हुआ है, तो पात्रता पर्ची जिन लोगों का नाम छूटा हुआ है, जिसे परिवार में किसी एक दो व्यक्ति का नाम छूटा है, तो पात्रता पर्ची में नाम जुड़ने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ रही है। तो आधार कार्ड बनाने जाने में बहुत समस्या आ रही है। महिला बच्चे सभी दिन भर दौड़ रहे, फिर भी आधार कार्ड नहीं बना पा रहे हैं। तो हमने तहसीलदार साहब से ये निवेदन किया है कि हर पंचायत में आधार कार्ड बनवाने का शिविर लगाया जाए और लोगों की समस्या का हल किया जाए। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में कितने आधार कार्ड सेंटर होंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक तो कुल मिला के कुछ भगवानपुरा ब्लॉक में ही नहीं है, खरगोन जाना पड़ रहा है, तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है। इसलिए हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाने का आवेदन किया है। आपका नाम? मेरा नाम बलिराम सूर्या, जागृत आदिवासी दलित संगठन। अब किस संबंध में तहसीलदार महोदय से मिलना है? आज हम जो हमारा आदिवासी अधिकार दिवस मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 2007 में घोषणा हुई थी कि आदिवासियों के ऊपर जो हक अधिकार है, उसमें आदिवासी अधिकार दिवस मनाया जाएगा 13 सितंबर। तो 13 सितंबर को रविवार होने की वजह से हम लोग आज तहसीलदार महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें हमारे आदिवासियों के हक और अधिकार वाले जो संवैधानिक अधिकार हमको मिले हैं, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, माड़ा, सारी चीज़ों के लिए हम आज ज्ञापन दिए हैं। और आज भी हमारा आदिवासी समाज जो अधिकार मिले हैं उससे वंचित है, कोसों दूर है। और हम वर्तमान सरकारों से मांग करते, आदिवासी समाज मांग करता है कि जो हमको संवैधानिक अधिकार मिले हैं देश में, वो हमें जल्द से जल्द देने की कृपा करें। मेरा नाम सुभाष पटेल, आदिवासी एकता परिषद जिला अध्यक्ष खरगोन। जिस जो जहाँ जहाँ सामाजिक संगठन के लोग रहते हैं, भगवान जैसे जिस ब्लॉक में, जिस जिले में, वहाँ पर ज्ञापन दे सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति के नाम। और उस आधार पे हमने फिर सब निर्णय लिया, पर रविवार 13 सितंबर रविवार आने से हम नहीं दे पाए, आज दे रहे हैं। तो सर मैं पढ़ता हूँ। प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन भोपाल, राज्य मध्य प्रदेश। श्रीमान तहसीलदार महोदय भगवानपुरा। विषय 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, माडा क्लस्टर क्षेत्रों एवं राज्य के आदिवासी गांवों में सुशासन हेतु अपील। महामहिम, हम आदिवासी अनुसूचित जनजाति ट्राइबल की इंडिजिनियस लोग संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा द्वारा आदिवासी अधिकार UNDRIP की घोषणा 13 सितंबर 2007 को की गई है। इस वर्ष हम इसकी 13वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हम 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, माड़ा और हमारे राज्य के क्लस्टर क्षेत्र तथा आदिवासी गांवों में सुशासन हेतु आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आज़ादी के 73 साल गुजरने के बावजूद भी राज्य के अनुसूची, माड़ा और क्लस्टर वाले क्षेत्रों तथा आदिवासी गांवों में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं देखा गया है। आदिवासी लोग राज्य के निचले स्तर पर है। आदिवासियों के विकास के लिए विशेष योजना, स्थानीय प्रशासन, सत्ता और शक्ति के विकेंद्रीकरण होना चाहिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नस्ली भेदभाव और औपनिवेशक दिमाग के स्वामी और गुलाम रवैयों को दूर करने के लिए राज्य में विभिन्न स्तरों पर एक सुधारात्मक प्रशासनिक ढांचा स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। हमारी प्रमुख मुद्दे इस प्रकार है: भूमि, वन और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, आदिवासियों का सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक पतन, आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, पलायन, मानव तस्करी और मानव अधिकार उल्लंघन बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। कोरोना महामारी COVID-19 को में आदिवासियों के साथ भेदभावपूर्ण और असमान व्यवहार, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सुशासन हेतु सुझाव
ट्राइबल सब प्लान आदिवासी सलाहकार परिषद TAC का गठन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।